हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। मैं स्पायर जितेंद्र कुमार और यहाँ BSc फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 2 चल रही है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें आज का आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कल हमने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था और आज हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। हमने कल उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इंट्रोडक्शन देखा था, उसके फीचर्स देखे थे, आज हम देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन। तो चलिए आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लिख देती हूँ मैं इधर। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अब क्या होता है, क्लासिफिकेशन कैसे होता है? हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होना है, तो ऑर्बिटल के मिक्सिंग के बेस पर हम इसको क्या करते हैं, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक ही बात है, ठीक है। जब क्या होगा, एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है, उसके बाद जो आपका क्या होता है ऑर्बिटल बनता है, नया हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसे बोलते हैं होता है एस पी, तो इसे बोलते हैं हम एस पी हाइब्रिडाइजेशन। और जब एक एस क्या दो पी के साथ क्या करता है आपका ओवरलैपिंग करता है, तो इसको क्या बोलते हैं sp2। इसी बेस पर आपके और भी क्लासिफिकेशन होते हैं। तो फर्स्ट अपना लिखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट आपका क्लासिफिकेशन कौन सा है, लिखिए sp हाइब्रिडाइजेशन। sp फर्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन में, कौन सा है sp हाइब्रिडाइजेशन। स्टार्ट करते हैं अपना, तो पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो ये होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल, ठीक है। नाम से पता चल रहा है s और p, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन भी। व्हेन वन s ऑर्बिटल, जब एक s ऑर्बिटल ओवरलैप करता है एक p ऑर्बिटल के साथ, जब एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, तो इसी को बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। और इसके लिए क्या होता है आपका मॉलिक्यूल्स जो इन्वॉल्व होते हैं इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन में, उन वो कैसे होते हैं आपके, लीनियर होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल्स जो इन्वॉल्व होते हैं इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन में वो लीनियर होते हैं, और उनका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री विद अ बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। आपको ध्यान रखना है कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं वो कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं, उनका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे बेरिलियम के कंपाउंड हो गए, जैसे BeF2, BeCl2, इस तरह से और भी दूसरे ETC एंड अदर कॉमन एग्जांपल हैं कि बेरिलियम के कंपाउंड्स होंगे, उससे अलग और भी एग्जांपल हैं, कौन से हैं वो जो sp हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं, वो है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, HgCl2 और C2H2ETC, ठीक है। तो एक बार हम पहले देख लेते हैं कि कैसे आपका ओवरलैप करता है s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, वैसे हमने कल देखा था इंट्रोडक्शन में, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। बेरिलियम कंपाउंड को लेकर कर लेते हैं, तो बेरिलियम के लिए हम BeCl2 ले लेते हैं, ठीक है। BeCl2 अगर आप इसमें क्या करोगे, Be का देखोगे तो Be का कॉन्फिगेशन करोगे तो 1s2 एंड 2s2 ये आएगा, 4 है ना, 4Be। तो s में क्या हो गया आपका, एक ही ऑर्बिटल होता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो दो हो गए, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ तक हो गया बात समझ आ गई। इसमें पी ऑर्बिटल है ही नहीं, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ठीक है। आप चाहे तो इस तरह पे दिखा सकते हो, कोई पी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, जीरो लिखा है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि 4 ही हो गया। लेकिन अब क्या होगा, ये बात थी हमारी नॉर्मल, लेकिन हम क्या करें, हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है आपके, कल जो हमने फीचर्स देखा था उसमें हमने देखा था कि जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो कहाँ होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो हम क्या करेंगे, बट एक्साइटेड स्टेट इसमें क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 4Be और नीचे लिख लीजिए यहाँ पे एक्साइटेड, इस तरह से दिखाते हैं। एक्साइटेड में क्या हो जाएगा आपका, कि ये जो वन इसका आला एस है, एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो कुदक के कहाँ आ जाएगा, कूद के इधर आ जाएगा, जंप करके, ठीक है, इधर आ गया। तो अब क्या हो जाएगा एक्साइटेड स्टेज में, 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन इधर चल गया और 2p
वन, ये हो जाएगा। और आपको पता है कैसे होता है, ये पी एक्स होता है, ये पी वाई होता है और ये पी जेड होता है, ठीक है। इसके एस ये रहा एक ऑर्बिटल, इसका ये रहा पी में आपको पता है तीन होते हैं, ठीक है ठीक है। एस में दो हैं, हो गया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें एक ही है और एक कहाँ चला गया, इसमें चला गया, ठीक है। तो अब आपको पता है दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, क्योंकि आपको पता है बी के साथ दो सी एल चुके हैं, यानी किसने दो सी एल दो बॉन्ड बनाए होंगे, बी के पास दो सी एल हैं, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगी, दो बॉन्ड बनाए होंगे, लेकिन इसके पास तो कोई आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो बॉन्डिंग कैसे करता, ठीक है। तो हम पहले इसको एक्साइटेड स्टेज में लेकर आए, अब कहाँ थे क्या था, इसके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो जब आपके दो सी एल हैं तो कैसे जाएंगे, एक सी एल तो यहाँ चला गया और एक सी एल इसके पास चला गया, क्योंकि बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। अब बॉन्डिंग हो गई, ठीक है, एक सी एल इसके पास और एक सी एल उसके पास, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, अब बन जाएगा आपका बी सी एल टू। कैसे बना बी सी एल टू, देखो एक सी एल इधर और बी बीच में और एक सी एल इधर, ठीक है, एक सी एल इधर और बी बीच में, तो ये लीनियर बन जाएगा। देखो आपको दिख रहा है ना, लीनियर लीनियर स्ट्रक्चर दिख रही है। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा यहाँ का, 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, और कैसा है ये लीनियर है, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं उधर कर देती हूँ, इतना नहीं आ रहा होगा, है ना। चलिए यहाँ तक तो आ गया ना, यहाँ से देखो, तो अब अगर आप इसका देखोगे बी की स्ट्रक्चर बनाओगे तो दो बॉन्डिंग बनाएगा सी एल के साथ, एक सी एल ने टू एस वाले से बॉन्डिंग किया, एक पी ने, ठीक है। चलो हम वो नहीं देख रहे, तो कैसे हो गए स्ट्रक्चर लीनियर, और यहाँ पे क्या है आपका 180 डिग्री, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। जब एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है तो इसी को हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, और जिस जो इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं वो लीनियर होते हैं, और उनके उनका जो बॉन्ड एंगल होता है बीच का 180 डिग्री होता है। जैसे बेरिलियम कंपाउंड हो गए, बी एफ टू बी सी एल टू, इस तरह के एंड अदर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एस पी हाइब्रिडाइजेशन आर सी ओ टू एच जी सी एल टू और सी टू एच टू, ये हो गए इस तरह से, ठीक है। तो अगर इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं तो बी सी एल टू ले लेते हैं, बी बी की अगर हम कॉन्फिगेशन करते हैं तो इस तरह का आता है, लेकिन आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा आपका, एक्साइटेड स्टेट में होता है हमेशा, तो क्या हो जाएगा आपका, एक्साइटेड स्टेट में लेकर आओ उसको, यहाँ से क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके 2p आपके px में चला गया, अब दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि दो बॉन्ड बना सकता है ये, तो एक cl इधर और एक cl इधर, तो बॉन्ड के आफ्टर बॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका, bcl2 कुछ इस तरह से दिखेगा, लीनियर है और आपके बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री, इसको ही बोलते हैं हम, क्या है ये आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आप लिखना चाहो लिख लो, यहाँ पे नीचे लिख लो कौन सा है हाइब्रिड ऑर्बिटल, कौन सा बना है इसका sp, कौन सा है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर सेकंड टाइप पे आते हैं sp2, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आपका सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप कौन सा है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसमें क्या होगा आपका, जब एक s ऑर्बिटल, आपको नाम से पता चला होगा s तो एक ही है, p पर क्या आ रहा है दो आ रहा है, तो जब एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तो उससे बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इस फिनोमिना को बोलते हैं हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलिए तो ये क्या है, व्हेन वन s ऑर्बिटल, व्हेन वन s ऑर्बिटल विल ओवरलैप विद टू p ऑर्बिटल देन इट इज़ नॉन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्विंग दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर प्लेनर। इस तरह के जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है उसमें आपके जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं वो प्लेनर होते हैं, और बॉन्ड एंगल कितना होता है उनका, बॉन्ड एंगल होता है उनका 120 डिग्री। आपको पता होना चाहिए sp में क्या होता है, लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और किस क्या होते हैं उसका, उनका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, लेकिन जो आपका sp2 है उसमें होता है आपका प्लेनर और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। और ये इसका एग्जांपल देखिए, उसमें बेरिलियम के कंपाउंड्स थे और जो आपके CO2 थे, C2H2 थे, ये थे आपके, लेकिन बोरॉन के जो कंपाउंड्स हैं जैसे BF3 हो गया, BCl3 हो गया, ये और दूसरे भी कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जैसे आपका SO2 हो गया, C2H4 हो गया, CO3 2- माइनस यानी कि कार्बोनेट आयन हो गया, NO3- माइनस हो गया, बेंजीन हो गई, ये सब में क्या मिलता है आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल लेंगे इसमें हम BF3 का, BF3 का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें अगर हम तो 5B होता है, ठीक है, 5B होता है, 4 बेरिलियम एंड 5 बोरान आपको याद होगा, ठीक है। तो 5B अगर इसका करोगे तो 1s2 2s2 2p1 हो जाता है ना, आपको पता है। तो अगर इसका क्या करोगे, ये बाद में लिखेंगे हम, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, पी एक्स होता है, तो
तो इसमें दो हो गए, दो इसमें और एक इसमें, इस तरह का होगा। लेकिन आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले बी को हम क्या लेंगे, एक्साइटेड स्टेट में लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे ही आप एक्साइटेड स्टेट में लेकर आए, अभी तो इसमें वन था, इसमें टू होने चाहिए थे ना, इसमें वन था, तो इसमें क्या होगा, आपका 2s से एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, टू किस में गया, p में। और इस बार p कौन से p में जाएगा, px में तो है, py में जाएगा। ठीक है, ये होता है px, ये py, ये pz। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो एक हो गया। ठीक है, मैं cl हटा देती हूँ, cl नहीं है इस बार, आप चाहे तो BCl3 से भी कर सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन हमने bf ले लिया तो अब cl की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, एक इसमें हो गया, अभी एक और जाएगा ये जंप करके इधर। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन कहाँ दे दिया इस बार, अपना पी में। ठीक है, इसका कहाँ गया, पी वाई में। तो इस तरह के आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सॉरी तीन आपके क्या हो गए, आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो तीन ही बॉन्ड बनाएंगे, तीन बॉन्ड बनाएंगे, तो तीनों किससे बॉन्ड बना लेंगे, एफ से। तो एक एफ इधर आ जाएगा, एक एफ इधर और एक एफ इधर, और इसी को क्या बोलते हैं हम, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा पता नहीं, चलो इधर देखो। और इससे बनने वाली ज्योमेट्री कैसी होगी, प्लेनर। प्लेनर ज्योमेट्री कैसी होती है आपको पता होना चाहिए। देखो, बी बीच में, एक एफ ऊपर और एक एफ इधर एंड एक एफ इधर, ये होती है आपकी क्या, प्लेनर। इसको बोलते हैं हम प्लेनर, वहाँ हमने लीनियर नहीं लिखा था, ये लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका प्लेनर। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, sp2। और जो बॉन्ड एंगल है इनके बीच का कितना है, 120 डिग्री। इस तरह से आपका होगा ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट चलेंगे किस पर, sp3 पर। ठीक है, sp3 पर, इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है, बहुत ही इजी है, बस आपको क्या याद रखना है, sp है तो एक s और p में एक p ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया होगा, sp2 है तो एक s और दो p ने ओवरलैप किया होगा, sp3 है तो एक s और तीन p ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया होगा। ठीक है, इस तरह से चलता रहता है। और बस आपको एग्जांपल ध्यान रखने हैं, sp किस में होता है आपका, बेरिलियम के कंपाउंड्स और कुछ और भी थे वो ध्यान रखना है, क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड C2H2 में। और उसमें क्या होगा, जो आपके मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं वो लीनियर होते हैं, लीनियर ज्योमेट्री के होते हैं, उनके बीच का बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। लेकिन जो आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपके कंपाउंड्स हैं वो बोरोन कंपाउंड्स हो गए, और दूसरे भी एग्जांपल हैं इसके, जैसे SO2 हो गया, C2H4 हो गया, CO3-2 हो गया, NO3- हो गया, बेंजीन भी आपको ध्यान रखना है, बेंजीन में पूछा जाता है कई बार। ठीक है, उसके बाद जो इसमें मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लेनर होते हैं ज्योमेट्री में, और उनका जो बीच का बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। साथ में आप डिफरेंस भी देखते चलें। ठीक है, तो बहुत इजी रहेगा आपको, फिनोमिना करना आ गया है, कैसे करना है। ठीक है, चलिए इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं अपना थर्ड टाइप sp3। चलिए आगे देखते हैं अब अपना थर्ड टाइप कौन सा है आपका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, जब नाम से पता चल रहा है एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा आपका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, when s ऑर्बिटल विल ओवरलैप विद 3p ऑर्बिटल देन इट इज नॉन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन में वो कौन से होंगे, आपके टेट्राहेड्रल होंगे, उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। ध्यान रखिए, व्हेन वन एस ऑर्बिटल विद विल ओवरलैप विद 3p ऑर्बिटल देन इट इज नॉन एज sp हाइब्रिडाइजेशन। और मॉलिक्यूल्स जो इन्वॉल्व होंगे इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन में वो कैसे होंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के होंगे, और बॉन्ड एंगल कैसा होगा उनका, 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस तरह इसका एग्जांपल क्या है, कार्बन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, कार्बन, तो आपको ध्यान रखना है 4b बेरिलियम में कौन सा था, sp, और 5b में कितना था, बोरान में क्या था, sp2, और जो आपका 6 कार्बन है उसमें कितना है, sp3। तो आपको दिख रहा होगा कि छोटे एलिमेंट्स में हम क्या देख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं, जिसमें आपकी VBT नहीं लग पा रही थी। तो अब आया आपका कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स में आपके कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, आपको से कोई पूछे तो sp3 होता है। जैसे आपका CH4 हो गया, CCl4 हो गया, CH3OH हो गया, और भी कार्बन के जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं, और दूसरे कॉमन एग्जाम्पल भी हैं आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, वो कौन कौन से हैं आपके, SiH4 हो गया, सिलिकन टेट्राहाइड्राइड, और ये हो गया आपका SiF4, SiCl4, NH3 हो गया, अमोनिया में भी आपका यही होता है, और वाटर में भी यही होता है। आपको ध्यान रखना है वाटर में भी कौन सा होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन, sp3। ठीक है, तो आपको ये सारे एग्जांपल भी ध्यान रखने हैं, और किस में याद रखना है कि कार्बन कंपाउंड्स में होता है, लाइक ये और बी कंपाउंड। ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं, CH4 ही ले लेते हैं, अपना पहला ही ले लेते हैं CH4।
ठीक है, जब इसका करोगे तो यहाँ पे क्या ले लोगे, 6C ले लोगे। जब आपने 6C लिया तो इस बार क्या होगा, 1s2 2s2, और इस बार क्या होगा आपका, देखो 6 है ना तो 2 2 और 2 हो जाएगा ना, इस बार 2 हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो पहले फिलिंग सब में एक एक होती है, आपको सिखाया हुआ है यहाँ से। लेकिन आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में आपका हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना होता है, तो आप ले लोगे क्या, 6C ले लो एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ से क्या होगा आपका, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है जंप करेगा, किधर जाएगा जंप करके, जेड में। इस बार कहाँ जा रहा है, जेड में। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसा रहेगा ये, एक यहाँ पे मैं हटा देती हूँ, ये एफ हटा देती हूँ, ठीक है। एस के पी के पास इस बार कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 3। कैसे, एक यहाँ और एक यहाँ, एक एस का भी तो चला गया ना इसका, तो ये वाला जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना होगा, sp3 होगा। और अब देखो 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यानी कि 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्डिंग कर सकता है, और वो बॉन्डिंग किसके साथ कर रहा है, CH के साथ। तो 4 H आ सकते हैं, एक H इसके साथ बॉन्डिंग, एक H इसके साथ, एक H इसके साथ और एक H इसके साथ, इस तरह की बॉन्डिंग होती है कार्बन में, ठीक है। कार्बन में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, इस तरह की। चलिए आगे अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि आप टेट्राहेड्रल है और बॉन्ड एंगल क्या है, 109 डिग्री टेस्टमेंट का, तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कैसी हो जाएगी, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर होगी कुछ आपकी टेट्राहेड्रल कैसी होती है, अच्छा देखो प्लेनर कैसी होगी, प्लेनर तो आपने कोई भी चीज़ ऐसे रख दी, प्लेनर ये दी प्लेनर, ठीक है। लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या होगा, टेट्राहेड्रल कैसी होगी, इस तरह की, इस तरह की, अब ये दिख नहीं पा रहा है, इस तरह से एक एक एलिमेंट इधर, ठीक है, और एक ऊपर, नहीं दो तो ये हो गए आपके, इस तरह से, इस तरह से दो तो मेरी फिंगर्स मान लो ये वाली, और एक इधर आ रहा है और एक इसके ऊपर ये लगा हुआ, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो हम इसको कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं, ठीक है, कार्बन यहाँ और कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, एच 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 और एच, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है कैसा हो रहा है, 109 डिग्री 28 मिनट का हो रहा है, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट का हो रहा है। कैसी स्ट्रक्चर है इसकी, प्लेन, क्या बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। और हाइब्रिड कौन से ऑर्बिटल हो रहे हैं, sp3, ठीक है, sp3। तो चलिए बहुत ही इजी था sp3 भी, आगे देखते हैं। अब आपके 3p हो गए, अब p के पास इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता ना एक्साइटेड स्टेज में, p तो 3p हो गए। अब d लेंगे हम, ठीक है, अब कौन सा लेंगे, db लेंगे। तो अब कौन सा आएगा नेक्स्ट टाइप, आप खुद ही बताओ। s तो एक हो गया, p के पास कितने हो गए, तीनों हो गए। अब लेंगे हम sp3d, db ले लेंगे एक, ठीक है। तो आपका 4 टाइप है sp3d, पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं sp3d पर। चलिए आगे देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, जब क्या होगा, नाम में देखो यहाँ पे एक एस है, पी में कितने हैं, 3 है, और डी के कितना है, 1 है। तो आप लिख सकते हो व्हेन 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल विल ओवरलैप विद ईच अदर देन इट इज़ नॉन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। और मॉलिक्यूल जो इन्वॉल्व होंगे इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन में वो कैसे होंगे, उनकी शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, कैसी होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। यहाँ ऊपर भी ध्यान रखना, व्हेन 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल विल ओवरलैप विद ईच अदर देन इट इज नॉन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्विंग दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वो कौन से होंगे, उनकी शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल विद बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कितना होगा उनके बीच का, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल हो गया इन फॉस्फोरस कंपाउंड्स, लाइक कैसे हो गया आपके PCl5 एंड PF5, ठीक है। चलिए एक करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं अपने यहीं पे देख लो, चलो इसी में देख लो, या फिर इसको रफ करके दोबारा से ही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, PCl5 ले लेते हैं अपना, PCl5 कॉमन भी है आपका, तो आप पहले ले लो PCl5, ठीक है। PCl5 का करके देख लेते हैं, आपको पता है 15p होता है फॉस्फोरस का, ठीक है, एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का 15 होता है। करिए कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, देखो 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 एंड 3 15 हो गया, ठीक है। जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हो किस में, ऐसे नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करते हो, थोड़ा पी का मुझे ज़्यादा बनाना है ना, पी का ले लेते हैं एक्स्ट्रा, एस का छोटा और पी का फिर से 3, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, अब तो आपको पता है। एस में कितने हैं, 2 हैं, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, 2 हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 6 है, तो पहले क्या करोगे, एक एक डालते हैं ना, फिर हो गया इस तरह। इसमें भी इसमें क्या, 3 ही है, तो 1 2 3 हो गए, ठीक है, ये हो गया। बट आपको पता है ये जो हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना है वो किस में होता है, एक्साइटेड स्टेट में, तो क्या हो जाएगा, बट
क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट, बट इन एक्साइटेड स्टेट या है ना, इसमें क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में 15P लिख के आप आगे लिखो एक्साइटेड। उसके बाद आप क्या लिखोगे, जब आप इसका करोगे इस बार क्या हो जाएगा, ये जो आपका एस है ना, ए वाला आपका, यहाँ देखो यहाँ पे डी होना चाहिए था, 3DB तो होना चाहिए था, 3S है 3P है तो 3DB होता है, 3 में तो DB होता है, ठीक है। तो अब क्या करें, उसमें 5 होते हैं लेकिन क्या होगा, यहाँ पे 0 है, कोई वैकेंट है, यानी कि डी ऑर्बिटल तो वैकेंट है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा किसमें, इसमें, ठीक है। यहाँ से कहाँ जाएगा, जंप कर जाएगा, कैसे देखो, इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 सॉरी 3s से तो गया है ना, 1 हो जाएगा और 3p3 ऐसे ही, और ये हो जाएगा आपका 3d1। देखो फिलिंग करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें पूरे 6 हैं, इसमें क्या हो गया, 1 हो गया, 1 इसका कहाँ चला गया, डी में, तो इसका एक यहाँ दिखा देंगे, इसमें 3 है ही ऑलरेडी, ठीक है, हो गया। अब देखो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 5 बॉन्डिंग कर सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है। तो वो पांचों बॉन्ड कैसे बनाएगा, Cl P के साथ बनाएगा, वो P किसके साथ बनाएगा, Cl के साथ। तो एक Cl S के, इस वाले S के साथ, एक Cl इस PX के साथ, एक Cl PY के साथ, और एक Cl PZ के साथ, और एक Cl इस D के साथ। तो ये वाला जो आपकी, इस तरह की जो आपकी क्या हुई है, हाइब्रिडाइजेशन हुई है, इसे क्या बोलते हैं हम, sp3d, ठीक है, इसमें d भी आ गया क्योंकि इसको बोलते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब जो इसकी शेप बनेगी, अब जो इसकी मॉलिक्यूल की शेप हो जाएगी, वो कैसी होगी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, भाई हमने लीनियर देख लिया, ठीक है, लीनियर देख लिया था, उसके बाद हमने क्या देखा, प्लेनर देखा, ठीक है, ये हो गया था आपका प्लेनर। फिर हमने टेट्रागोनल देखा, ठीक है, टेट्राहेड्रल देखा था, है ना, चलिए इस तरह से ये हो गया। अब देख रहे हैं हम ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो इसका ना कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ध्यान दीजिएगा, एक ऊपर एक, ठीक है, ऐसे पिरामिड की तरह होता है, एक पिरामिड सा होता है ना, इस तरह से पिरामिड सपोज करिए, इस तरह से आगे पीछे पूरा एक पिरामिड सा, और ऊपर और नीचे भी एटम लगे हुए, इस तरह की शेप होती है। ये लीनियर है, प्लेनर है, ट्राइगोनल है, सॉरी लीनियर है, ये क्या हो गया आपका प्लेनर है, ये टेट्राहेड्रल है, ये ट्राइगोनल है, ठीक है। चलिए तो अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होनी चाहिए, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो ये है आपका ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो बॉन्ड एंगल कितना है, और तो चलिए इसको बनाते हैं, 120 डिग्री है, 120 डिग्री और 90 डिग्री होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, मैं तो ये ड्रॉ कर देती हूँ। देखो पी ऐसे रहेगा, ठीक है, सी एल कहाँ जाएगा, एक सी एल इधर, एक सी एल इधर, और एक सी एल इधर, ठीक है। ये क्या हो गया, इस तरह से इसके पास बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है, एक मिनट, देखो एक पी इधर है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे बॉन्डिंग होगी, एक सी एल इधर, एक सी एल इधर, और एक सी एल इधर, ठीक है, ये इधर, इधर, ये इधर, ठीक है, इस तरह की बॉन्डिंग होती है। और एक यहाँ पे सी एल होगा ऊपर, और एक सी एल होगा नीचे, कहाँ होगा, एक सी एल ऊपर और एक सी एल नीचे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जिसमें क्या हो जाएगा आपका, ये कैसी स्ट्रक्चर है आपकी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल है। और इसका जो बॉन्ड है इनके बीच का कैसा हो जाएगा बॉन्ड, ये वाले दो कोई भी ले लो, आपने ले लिया ये, इसके बीच का बॉन्ड हो गया 120 डिग्री का, ठीक है, 120 डिग्री का। या इसको ना कई बार ये 20 हो रहा है, 90 भी कर सकते हैं, ठीक है, 120 एंड 90 डिग्री भी होता है। लेकिन PCL जो आपका PCL 5 है, उसके केस में कैसा हो जाएगा, 120 डिग्री। और जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है, ये कैसा होगा आपका, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए फटाफट से, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका अभी तक, मुझे लग रहा है कोई अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। हमने पहले देखा sp, फिर देखा sp2, फिर देखा sp3, फिर देखा sp3d, चार हो गए, और चारों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, लीनियर, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, पायपिरामिडल, ठीक है, चार हो गए क्लियर आपके। बॉन्ड एंगल भी याद हो गए होंगे, 180 डिग्री था उसमें, फिर था आपका क्या, 120 डिग्री का, फिर 109 डिग्री 28 मिनट का, और अगेन इसमें क्या हो गया, 120 डिग्री का आ जाता है। और इसके बाद आपकी एग्जांपल उसमें क्या था, मैंने आपको सिखाया अभी था बेरिलियम,
फिर बोरान, फिर कार्बन, और इस बार ये थोड़ा अलग आ गया, वो तीन थे आपके बेरीलियम, बोरान एंड कार्बन, 4, 5 और 6, ये तीन आप लोग लगातार याद रखेंगे। और ये हो गया इसमें फॉस्फोरस का, ठीक है। अब चलते हैं अपना फिफ्थ, sp3d2, ठीक है। चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लें पहले। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना इसमें कि जो इसके थ्रू बन रहे हैं ना पांचों बॉन्ड, ये इक्विलेंट नहीं है, ये पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है, इक्विलेंट नहीं है, ठीक है। इनकी एनर्जी क्या है आपकी, एनर्जी तो सेम ही है लेकिन इक्विलेंट नहीं है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना, आपका फाइव है, कौन सा है ये, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होता है आपका, जब एक s, 3p और 2d ऑर्बिटल क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं या मिक्सिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, तब उससे जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उसे बोलते हैं हम sp3d2। चलिए अपना डेफिनेशन देख लेते हैं। When 1s, 3p and 2d orbital will overlap with each other, then it is known as, क्या हो जाएगा आपका, sp3d2 hybridization। और जो इस तरह की hybridization में molecules involve होते हैं उनकी जो shape होती है वो कैसी होती है, square bipyramidal, जिसको आप क्या बोलते हो, octahedral भी बोलते हो और hexagonal भी बोलते हैं, ठीक है। square bipyramidal या octahedral भी या hexagonal भी, और bond angle कितना होगा, 90 degree का। जैसे आप example देखो SF6 का, अच्छा S क्या है, ये सल्फर है, SF6 का एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए SF6 में देख लेते हैं अपना क्या होगा, तो जो S का होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 16S सल्फर। तो आप करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 आ जाएगा बस, क्योंकि अभी हमने जस्ट 15p का किया है तो एक ज़्यादा ही होगा, तो इस तरह का आ जाएगा। तो अब D तो इसमें भी वैकेंट है, P में क्या हो गया, 4 है, तो P में एक और आ जाएगा इधर, यानी कि PX में डबल हो गया, पूरे पेयर बन गया, लेकिन D तो अभी भी खाली है। और आपको पता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन फिनोमिना है वो हमेशा एक्साइटेड स्टेज में होता है, तो हमेशा क्या करेंगे, बट इन एक्साइटेड स्टेज में क्या लाएंगे, अपना 16s को लेकर आएंगे, 16s को एक्साइटेड स्टेज में लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां से एक तो इस वाले S का जाएगा, इस बार एक तो इस वाले S का यहां जाएगा और एक इस वाले P का यहां जाएगा, ठीक है। तो वही होगा, यहां पर क्या हो गया, 3s1, तो एक S ने दे दिया इसको और एक P ने दे दिया, P के पास भी कितने हो गए, 3 हो गए, लेकिन D के पास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एक S से मिला और एक P से मिला, ठीक है। तो इस तरह के आपके हो जाएगा, कुछ इस तरह से दिखेगा अभी ये देखो, ठीक है, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, जो इसका एक था वो इसने यहाँ दे दिया, इसने एक यहाँ दे दिया, ठीक है। तो अब देखो टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने दिख रहे हैं, 6, और आपके एटम कितने हैं, 6। तो अब कैसी बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पे, और इससे बनने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो स्क्वायर बाय पिरामिडल होती है। नाम में देखो स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर सा कुछ होगा, स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है, क्या होगा, स्क्वायर सा होगा। तो जरा देखो कैसे हो जाएगा स्क्वायर, सल्फर बीच में चारों तरफ स्क्वायर बना लो, इस तरह का बना लो अगर आपको नहीं याद रहता है, ठीक है। एक F यहाँ लगा दो, या बीच से रफ करते जाओ, ठीक है, एक F यहाँ लगा लो, एक F यहाँ हो गया, एक F यहाँ हो गया और एक F यहाँ हो गया, ठीक है, और एक ऊपर जाएगा F और एक नीचे, इस तरह से, समझ पा रहे हो, स्क्वायर बाय पिरामिडल है। अभी तो हमने देखा था ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये है आपका स्क्वायर बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल में तीन में बन रहा है पिरामिडल, इसमें स्क्वायर में क्या बन रहा है आपका, पिरामिडल बन रहा है, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप ये होती है आपकी, ठीक है। तो ये कैसी है आपकी, स्क्वायर बाय पिरामिडल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं या हेक्सागोनल भी बोलते हैं, हेक्सागोनल भी बोलते हैं, ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से हो गए, sp3d2, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना, पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना sp3d3 स्टार्ट करेंगे, 6 अपना। चलिए आगे देखते हैं अपना, जो 6 टाइप है वो है आपका sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होगा, देखो एक s, 3p और 3d, तो when 1s, 3p एंड 3d ऑर्बिटल विल ओवरलैप विद ईच अदर, देन इट इज नॉन एज sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इस तरह के जो हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, आपको ध्यान रखना है,
पहले क्या होगा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, फिर ट्राइगोनल से क्या होगा तीन से क्या हुआ चार हुआ, यानी कि ट्राइगोनल से क्या हुआ स्क्वायर में हुआ। देखो इस तरह से ध्यान रखना अपना ट्राइगोनल, फिर क्या होगा स्क्वायर प्लेनर, फिर क्या होगा आपका पेंटागोनल, इस तरह से तीन चार और पाँच एटम देख लो। इस तरह से आप अपना कुछ भी ट्रिक बना लो याद करने की, ट्राइगोनल ट्राइगोनल स्क्वायर बाइपिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इस तरह से ध्यान रखो, ठीक है, तीन का इनका। और बाकी स्टार्टिंग के आपको पता है लीनियर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं कि तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी शेप कैसी होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है और बॉन्ड एंगल कितना होता है उनका बीच उनके बीच का 72 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरह का एग्जाम्पल है आपका IF7 में क्या होगा, आई क्या है आपका आयोडीन, तो इसका जो आपका एटॉमिक नंबर होता है 53 आई होता है। जब इसका कॉन्फिगेशन करोगे इसका थोड़ा लेंथी कॉन्फिगेशन हो जाएगा, चलिए करते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 मैं इसको रफ कर देती हूँ नीचे से, ठीक है, इसका थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि कॉन्फिगेशन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 53 आई होता है इसका, जब आप करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 5s2 के बाद आएगा आपका 4d10 5p3। देख लेते हैं एक बार कैलकुलेट करके, 53 है ना, 2 और 2 कितने होंगे 4, 4 6 10, 10 और 2 कितने होंगे 12, 12 6 कितने होंगे 18, 18 और 2 20, 20 और 30, 30 और 36 और 36 और 2 कितने होंगे 38 और 48 हो गया, 48 और 3 कितने होंगे 51, तो एक और आएगा आपका 6s1 आएगा, ठीक है, ठीक है, नहीं 6s2 थोड़ी ना आएगा, अभी तो पी रह रहा है, पी में 6 होते हैं ना, तो पी में आप 5 करोगे, दो कम है ना। अब देखो एक बार फिर से काउंट करो, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 और ये कितना हो गया 10 और 2 कितने हो गए 12, 6 18, 2 20, 20 और 30, 36 38 और 48 और 48 और 5 कितने हो गए 53, ठीक है, अब ठीक है बिल्कुल, ठीक है। तब आप इसका फिलिंग करते हो, अब छोटी छोटी दिखानी पड़ेगी ना फिलिंग, इतने सारे हमने इसमें तो 5 होंगे, 1 2 3 4 5 कर लेते हैं, इसमें 3 होंगे, थोड़ा हमें दूर दूर बनाना चाहिए था, चलो दूर दूर लिख लेना आप, ठीक है, 1 इसको तो कर ही सकते हैं 2 3 5 और ये क्या हो गया आपका 5p3 था वो, सॉरी 5, ठीक है, और इसमें रहेगा आपका 1 2 3, ठीक है। अब करते हैं फिलिंग, 2 हैं दोनों फिल 6 हैं तो सारे फिल, ये भी फिल 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी फिल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये भी कितना हो गया दोनों फिल, ये कितना हो गया पूरा फिल, ये कितना हो गया 5 है, बस 5 पे रोक देंगे, ठीक है, इतना हो गया। लेकिन अब अगर हम इसमें देखें, देखो D का कितना है 3 4 5 का, देखो 5 का एस बी है, 5 का पी बी है, लेकिन 5 का D वाला ऑर्बिटल नहीं है, D वाला ऑर्बिटल कैसा है वो वैकेंट है, वैकेंट D ऑर्बिटल है, D है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब आपको बताया जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो आप लिख सकते हो बट इन एक्साइटेड स्टेज में क्या हो जाएगा आपका जो 53 आई है ना उसका क्या करेंगे। अब यहाँ तक तो हम सेम कर लेते हैं, मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ, आप पूरा कर लेना, इतना टाइम नहीं है ना, तो मैं यहाँ तक करके दिखा रही हूँ, मैं यहाँ से ले रही हूँ 5s2 से, ठीक है, 5s2 से ले रही हूँ और 5p5 ले रही हूँ और 5d0 ले रही हूँ, यहाँ से ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें आउटर मोस्ट शेल लेने हैं, ठीक है, इसलिए हम आउटर मोस्ट शेल ले रहे हैं। आउटर मोस्ट शेल क्या है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे देखो जो 5s है ना, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से कहाँ जाएगा आपका इस डी में, और एक यहाँ से जाएगा इस वाले में, ठीक है, और ये वाला जाएगा कहाँ
इस वाले में, तो तीन आ जाएंगे उसके पास और इन दोनों के पास क्या हो जाएंगे, एक एक, यानी कि इसमें क्या हो गया, एक एक ही हो गया। P के पास कितने हो गए, तीन ही बचेंगे सिर्फ, उसने एक अपना एक एक दे दिया। इसके पास कितना हो गया, एक तो S से गया, एक ये रहा S, एक पी एक्स से गया, एक पी वाई से गया, तीन हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने हो गए, डी के पास थ्री, तो अब जीरो नहीं रहा, अब हो गया थ्री। ये कब है, एक्साइटेड स्टेज में। इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर गया, एक्साइटेड स्टेज में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर गया, एक एस से चला गया डी में, पी के पी एक्स से चला गया डी में और पी वाई से भी चला गया डी में। ठीक है, इस तरह की हो गई आपकी। तो ये देखो आपका यहाँ से क्या हो रहा है, इसमें देखो एस बी इन्वॉल्व है, पी के तीनों इन्वॉल्व हैं और डी का भी तीन, तो ये क्या आंसर हो जाएगा आपका, एस पी थ्री डी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये हो गया इस तरह से, इस तरह बन गया। अब अगर इसकी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, पेंटागोनल बायप्रामिडल है, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पेंटागोनल मैंने भी आपको बना के भी दिखाई, कुछ इस तरह का पहले ये बना लो, चाहे तो आपको नहीं आ रहा। आई क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे, ये हो गया आपका। ठीक है, एफ कितने, सेवन है, एक एक एफ यहाँ रख दो। ठीक है, कितने हुए अभी, वन टू थ्री फोर फाइव ही हुए हैं, तो एक कहाँ आएगा, एक ऊपर और एक नीचे। अब कैसे करें ऊपर नीचे का, तो आप चाहे तो साइड में दिखा सकते हो, एक एफ इधर एक एफ इधर। ठीक है, कितने हो गए, इस तरह का क्या हो गया ये, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, पेंटागोनल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल है। और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये जो एंगल आप देख रहे हो ये वाले कितने एंगल है, ये 72 डिग्री या 90 डिग्री। ठीक है, या 72 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर हम आई एफ सेवन की बात करें तो 92 डिग्री। ठीक है, वो सॉरी 90 डिग्री लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेंटागोनल बाय पिरामिडल, और इससे जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है वो कौन सा हो जाएगा, एस पी थ्री डी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल, एस पी थ्री डी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, इससे बना, तो ये था आपका एस पी थ्री डी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी इसके आगे भी हैं, अभी आपने कौन सा दिखाया है, सिक्स नंबर पर आ गया, अभी हम आगे भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन फिर लेक्चर लेंदी हो जाएगा, तो अभी की क्लास के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आज की क्लास के लिए इतना है, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।